हेलो फ्रेंड, कुमारी रीमा की रसोई में आप लोग का स्वागत है। आज मैं मैगी बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत ही यम्मी रेसिपी ब्रेकफास्ट ये होता है। मैंने 2 गिलास के लगभग पानी लिया है, इसे मैंने गर्म कर लिया। देख सकते हैं पानी गर्म हो चुके हैं। मैं इसमें मैगी जो मैंने लिए थे 1 पैकेट में मैगी यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो 2-3 पैकेट का भी यूज करके, जैसा फैमिली हो उसके अनुसार आप बना सकते हैं। और मैं इसको इसमें डालूँगी, डाल करके 1 मिनट के लिए मैं गर्म करूँगी। 1 टमाटर को मैंने कट कर लिया है और 1 प्याज को मैंने कट कर लिया है। आप देख सकते हैं मैगी भी हल्का सा ऑयल हो चुका है। इसको मैं हल्का ढक दूंगी, 1 मिनट के बाद मैं इसको छन्नी से छान लूँगी। तब तक मैं दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ती हूँ। गैस इधर ऑन करूँगी। आधी चम्मच के लगभग मैंने तेल लिए हैं। इसको मैं पैन गर्म हो चुका है, उसमें मैं डालूँगी। इसमें जीरा देख सकते हैं परक रहे हैं। अब मैं इसमें ऑनियन डालकर पहले अच्छे से भूनूंगी, उसके बाद मैं टमाटर डालूँगी। जब ये हल्का सा पिंक कलर में आ जाएंगे तब मैं टमाटर डालूँगी, उसे भी करूँगी और हल्का सा नमक डाल कर उसको अच्छे से गलाऊँगी। अब देख सकते हैं हल्का हल्का ये पिंक होने लगे हैं, हल्का सा और भूनेंगे। हमें इसमें आधी चम्मच के लगभग थोड़े से 2 चुटकी के लगभग नमक है, क्योंकि मैगी मसाले में नमक ऑलरेडी होते ही हैं, इसलिए अगर अधिक डालूँगी तेज हो जाएगा नमक, जो खाने में थोड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसमें टोमेटो मिक्स करूँगी और इसको भी अच्छे से बनाऊँगी। इसमें से थोड़ा सा गर्म मसाले का इस्तेमाल हल्दी पाउडर 2 चुटकी के लगभग मैं डाल दिया, तो मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। आप देख सकते हैं ये हल्का सा गल चुका है। मैं इसमें मैगी डालूँगी, तो मैंने पानी से निकाल लिया, छान लिया। देख सकते हैं अभी चुटके जैसे लग रहा है। अभी मैं जब इसको चलाऊँगी तो सूर्य अलग अलग हो जाएंगे। देखिए कितने अलग अलग हो रहे हैं। हमें इसमें थोड़े से हल्दी पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर 2 चुटकी के लगभग मैं डालूँगी और मिक्स करूँगी। उसके बाद में मैगी मसाला डालूँगी। ये मैंने पहले से पानी जिसमें उबाले थे तो पानी में फेंकूँगी नहीं, वही पानी में थोड़ा इसमें हल्का इस्तेमाल करूँगी। देख सकते हैं 1 से 2 मिनट के लिए इसे, देख सकते हैं मैगी मसाला के अंदर चिली पाउडर भी मिक्स रहता है और सारे मसाले मिक्स रहते हैं, इसलिए मैंने अधिक मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है। और मैं इसको अब हल्का सा पानी डाल करके, थोड़ा मैंने पानी डाल दिया है कि जल ना पाए, अच्छे से बन जाए। और थोड़ी सी पानी में इसमें और ऐड करूँगी, मैगी के पानी नहीं डालने से ये और अधिक स्वादिष्ट बन जाता है। मैंने चिली पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं किया, अलग से मैं नहीं ऐड करी हूँ, क्योंकि अधिक तीखा हो जाने पे बच्चों को हो जाए। मैं स्पेशली बच्चों के लिए बना रही हूँ। और इसको मैं 2 मिनट के लिए वैसे पकाऊंगी। आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी ही बन जाता है, लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर में ये अच्छे से बन जाता है। प्लीज़ आप लोग भी इसे बनाइए, अपने बच्चों को साथ एंजॉय कीजिए। बच्चों को ये स्पेशल पसंद पड़ता है, क्योंकि इसमें तीखापन बिल्कुल ही नहीं है। मैंने
सेव मिर्च ऐड नहीं किया है। आप लोग भी अपनाइए, बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।